हेलो गाइस, मेरा नाम है उदित अरोड़ा। वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ लर्न फोटोशॉप टिप्स विद पबजी सीरीज। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में गाइस, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे एक पबजी डबल अप एक्सपोजर इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। अब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है फाइल में जाता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करूंगा। आप यहाँ जाकर उसको जो है क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपना इमेजेस को इम्पोर्ट करते हैं। अब जो इमेजेस मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, अगर आपको यूज करना है तो वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक पर क्लिक करके उन इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम इम्पोर्ट करते हैं, फाइल में जाएंगे, यहाँ से लेंगे प्लेस एम्बेडेड। प्लेस एम्बेडेड में जाके यही सेम कैरेक्टर जैसे मैंने पोस्टर में यूज किया था, उसी सेम कैरेक्टर पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे डबल एक्सपोजर बनाना है। अब यहाँ पर आके इसका साइज हम थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर देते हैं, एंटर प्रेस करें। अगर ये कैरेक्टर आपको इस कैनवस के सेंटर में रखना है तो आप यहाँ जाएंगे, अलाइन टू करेंगे, कैनवस सेंटर अलाइन इसे कर देंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर एक और इमेज को इंपोर्ट करना है, फाइल प्लेस एम्बेडेड, ये मेरे पास रखा हुआ एक स्प्लैटर, इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करूंगा, इसको रख लूंगा इसके नीचे। तो अब मुझे ना ये जो करेक्टर है उसके पीछे चेकर बोर्ड को नहीं देखना है, मतलब इसके पीछे एक जो नया स्प्लैटर वाला बैकग्राउंड है मुझे उसे देखना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे, यहाँ पर जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक कर देंगे, इससे आपका सिलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब आप यहाँ मास्क पर जाके क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी आप यहाँ पर जूम करके देख लेंगे, थोड़ा बहुत एजेस जो है अगर आपको यहाँ पर दिखता है, जैसे यहाँ पर आपको एजेस दिख रहा है, तो आप उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि ब्रश टूल लेना है, साइज उसका छोटा करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट से, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट दबाया, साइज छोटा किया, यहाँ से मैंने जो है कलर लूंगा उसके अंदर ब्लैक, या फिर मैं एक्सप्रेस करूंगा, या फिर यहाँ से फ्लिप करके ब्लैक कलर ले लूंगा। अब यहाँ जाके मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इतने से सेक्शन में मैंने अपना जो बैकग्राउंड हटा दिया, और थोड़ा सा यहाँ पर भी इसके जो एज है उसको हम ऐसे ब्लैक कलर पेंट करके ठीक कर देते हैं। मेक श्योर आपको पेंट करना होगा मास्क के ऊपर, आप कंट्रोल जीरो करेंगे। देखिए अब ऐसे कई कई जगह पर जो है थोड़ा बहुत एजेस दिख रहा है, तो उसके लिए आप मास्क पर राइट क्लिक करें, सिलेक्ट एंड मास्क में जाइए, आप यहाँ से व्यू को करेंगे ऑन लेयर, ऑन लेयर पे ही होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ पर मास्क देखने के लिए यहाँ पर आपने ऑन लेयर रखा। अब आपको यहाँ से जाके क्या करना है, शिफ्ट एज को जो है एडजस्ट करना, तो आप देखोगे आपका एजेस अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर फैदर प्रोवाइड करना है, हल्का सा उसे ऐसे स्मूथ कर देना है, बिल्कुल हल्का सा आपने स्मूथ कर दिया, थोड़ा सा आपने इसके ऊपर जो है कॉन्ट्रास्ट दे दिया। तो अभी आप यहाँ जाएंगे ना शो ओरिजिनल पे, आप क्लिक करके देख सकते हैं, अभी हमने एजेस को थोड़ा सा अंदर की तरफ जो है उसे शिफ्ट किया, हल्का सा मैं इसको बढ़ाता हूँ, और एजिस के ऊपर जो व्हाइट लाइन है उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, इसको ओके करा आपने, ठीक है। अगर हल्का फुल्का आपका स्टिल रह जाता है बिल्कुल एक एक पिक्सल भी अगर आपको हटाना है, तो आप यहाँ से ब्लैक कलर लोगे, इसके ऊपर जाके ऐसे क्लिक कर दोगे, यहाँ पर जाओगे ऐसे हैंड के ऊपर जाके भी ऐसे क्लिक कर दोगे। सिंपल मैं ब्रश टूल लेके यहाँ पर ऐसे क्या कर रहा हूँ, पेंट कर रहा हूँ, सो डेट मेरा जो ये व्हाइट व्हाइट जो लाइन है ये मुझे ना दिखे। मैं यहाँ पर आया, इसको यहाँ के मैंने हटा लिया, और यहाँ पर आके भी कंट्रोल जीरो करूंगा, फिट हो जाएगा। तो ठीक है, आपने यहाँ पर ये कर लिया। अभी देखो ये जो बैकग्राउंड वाला जो स्प्लैटर है इसमें थोड़ा सा मुझे वेरिएशन करना है, तो मैं यहाँ ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल की जगह कर दूंगा हार्ड लाइट। आप देखोगे यहाँ पर ये नॉर्मल है और ये हार्ड लाइट है, थोड़ा सा इसके अंदर वेरिएशन मिल जाएगा। साथ में इसको ओपेसिटी को डाउन कर देता हूँ, लेट सपोज मैंने कर दिया यहाँ से इसको 75, ठीक है ये कर दिया। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका जो साइज है कंट्रोल टी करके इसके साइज को हम एडजस्ट करते हैं, और इसको लगभग यहाँ कहीं ले आते हैं, मूव टूल लिया, लेफ्ट एंड राइट एरोस का यूज करा, इसको मैंने ऐसे मूव कर दिया, ओके। देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं, अभी हम आगे क्या करने वाले हैं कि एक और इमेज को इम्पोर्ट करने वाले हैं डबल एक्सपोजर बनाने के लिए। फाइल में जाएंगे, प्लेस एम्बेडेड पर हम क्लिक करेंगे। अब जो दूसरा जो इमेज है वो मेरे पास है ये वाला पबजी 0.0 प्लेस किया मैंने। अब इस इमेज को आपको अपने करेक्टर के ऊपर ऊपर रखना है, ऊपर वाली लेयर में। नीचे वाला लेयर देखने के लिए मैं इसको ओपेसिटी यहाँ से अभी कम कर देता हूँ, अब इसको यहाँ कहीं मैं रखता हूँ, कंट्रोल टी करूंगा, इसके साइज को मैं यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ,
इसको थोड़ा सा लाइक मैंने इस जगह पर जो है यहाँ पर ऐसे प्लेस कर दिया। अब आप ओपेसिटी को ऐसे फुल कर देंगे। अब एक्चुअल में डबल एक्सपोजर का मतलब क्या है, एक इमेज के अंदर आपको दूसरा इमेज नजर आता है, तो आप इस लेयर को राइट क्लिक करके करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो उसी के अंदर फिट हो जाएगा। आप इसका ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल की जगह कर देंगे लाइटर, तो अभी आप देखेंगे कैसे जो है एक इंटरेस्टिंग डबल एक्सपोजर इफेक्ट जो है मुझे बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये मेरा पबजी कैरेक्टर के अंदर मुझे यहाँ पर ये जो है गर्ल दिख रहा है, तो ये मेरा डबल एक्सपोजर है। अभी आपको यहाँ से एडजस्टमेंट में जाना है, यहाँ से पिक करना है कलर लुकअप। अब गाइज हम इस ओवरऑल के ऊपर एक कलर स्कीम जो है प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ से एक बहुत डिसेंट सा कलर लुकअप मिलता है हमें, बेसिकली एक लट फाइल मिलता है जिसे कहता है हॉरर ब्लू। देखा आपने कैसे हॉरर ब्लू को मैंने सेलेक्ट किया और एकदम ही मेरा लुक एंड फील जो है पूरा बदल जाएगा राइट। देखो अब इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्प्लैटर को आप कंट्रोल जे करोगे, कॉपी कर दोगे, इसको उठा के ऊपर ले आओगे, और इस बार इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो हार्ड लाइट नहीं, आप कर दोगे यहाँ से उसे स्क्रीन, और ओपेसिटी को कर दोगे फुल। देखो अभी आपको क्या करना है, कंट्रोल टी करना है और ये ऊपर वाली जो लेयर है उसको ऑल्ट के साथ ऐसे ड्रैग करना है, इसको आपको इसके ऊपर ऐसे फिट करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या करा, कंट्रोल टी किया है और इसको इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे फिट कर देना है। हल्का सा इसको मैंने यहाँ पर ऐसे मूव किया, इसको मैं लगभग इस जगह पर ऐसे ले आता। ठीक है, आपने ये स्क्रीन कर दिया। अब आप शिफ्ट के साथ सभी लेयर को सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी करो, पूरा जो सारा इमेज सिलेक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इसको आप ऐसे डाउन कर दो। देखोगे आप यहाँ पर ऐसे बॉर्डर्स आ रहा है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये लेयर को राइट क्लिक करके कर दूंगा रास्टराइज। अब ये इतना एरिया मुझे फिल करना है ना, इसके लिए मैं यहाँ पर से सिलेक्शन टूल लूंगा, ऐसे सिलेक्शन बना दूंगा, इसके अंदर मैंने ब्रश टूल लिया या फिर यहाँ से कलर पिक कर लिया, कलर को पिक किया, ओके कर दिया। ये भी प्योर व्हाइट नहीं है इसलिए मैंने कलर को पिक किया, ऑल्ट बैकस्पेस कलर फिल हो जाएगा, यहाँ से इसको ड्रैग किया, ऑल्ट बैकस्पेस फिल हो गया, ऑल्ट बैकस्पेस फिल हो गया। देखिए वो ना इमेज हमारा स्प्लैटर वाला छोटा था, तो उसके कॉर्नर्स को फिल करने के लिए हम सिलेक्शन बना लेंगे यहाँ से और ऑल्ट बैकस्पेस से फिल कर देंगे, कंट्रोल जीरो मैंने यहाँ पर जो है कर दिया है राइट। अभी मुझे यहाँ पर क्या करना है, ये पबजी कैरेक्टर को कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एडजस्ट करना है, मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, और ये स्प्लैटर वाला इमेज को भी कंट्रोल टी करके हल्का सा मुझे कुछ इस तरफ जो है उसको शिफ्ट कर देना है, हमने यहाँ पर जो है उसको शिफ्ट कर दिया राइट। देखिए अब आप जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजेस जो है कर सकते हैं, वो चेंजेस इस तरीके से है कि जैसे अभी स्प्लैटर वाला जो इमेज है बैकग्राउंड वाला, इसको भी कंट्रोल टी करके ना आप यहाँ लाके इसको कुछ इस जगह पर आप रख सकते हो ऐसे, और साथ में ये जो ऊपर वाला इमेज है इसको लगभग मैं इस तरीके से थोड़ा सा और ऊपर करके मैं यहाँ पर रख देता हूँ। अभी यहाँ पर अगेन ऐसे सिलेक्शन बना के कलर फिल कंट्रोल जीरो किया। देखिए अब मुझे यहाँ पर फाइनली ये कलर लुकअप लगाना है, एडजस्टमेंट लेयर में जाऊंगा, यहाँ से पिक करूंगा कलर लुकअप, या फिर हम अभी यूज करते हैं ग्रेडियंट मैप, ग्रेडियंट मैप लेंगे, इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपको कई सारा ग्रेडियंट्स मिलेगा। अभी के लिए हम इस पर ग्रीन्स लेते हैं, ग्रीन के अंदर एक ये है, दूसरा ये सब, ये फोर्थ वाला ये लिया। अब इसका ब्लेंडिंग मोड आपको यहाँ से कर देना है डिवाइड, देखिए कितना डिसेंट कलर जो है आपको एक यहाँ पर जो है मिल जाएगा। तो गाइस अभी आपने ये पूरा सेट कर लिया, अब बैकग्राउंड वाला स्प्लैटर लेके इसको ओपेसिटी थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर एडजस्ट किया 70 के साथ, उसको मैंने यहाँ पर फाइनल कर दिया। अभी आप जूम करोगे देख रहे हो आप यहाँ पर ऐसे व्हाइट कलर का आपको लाइन दिख रहा है, आपको ये नहीं चाहिए, मास्क सिलेक्ट करेंगे, ब्रश लेंगे और इस लाइन को भी यहाँ से ऐसे हटा देंगे। देखिए अब ऊपर गए, ये अगर आपका थोड़ा बहुत एजिस पे व्हाइट कलर का लाइन आता है ना, तो आपको सिर्फ यहाँ से अपने मास्क को सिलेक्ट करना है, ब्रश लेना है और ये वहां पर ब्लैक कलर पेंट करके उसे हटा देना है। ठीक है,
अगर आपको वापस से देखना है तो आप व्हाइट कलर पेंट करके आप उसे वापस से देख सकते हैं, ब्लैक कलर पेंट करके आप हटा सकते हैं। यहाँ से आपने इसको हटा दिया और इधर आए, इधर आए, देखो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, तो ये ब्रश लिया, यहाँ पर मैंने ये ब्लैक पेंट करके हटा दिया, ये ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ ब्रश का साइज, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट से थोड़ा मैंने एडजस्ट किया, इसको यहाँ से हटा दिया और इसको लिया मैंने हल्का सा यहाँ से, अब साइज एडजस्ट करता हूँ। बेसिकली मैं अपने एजिस को जो है यहाँ से ऐसे पेंट करके उसको मैंने और फाइन कर दिया, ठीक है ना। ये यहाँ से ब्लैक लिया, इसको यहाँ से कर दिया हल्का सा, यहाँ से व्हाइट लिया, इसको यहाँ पर ऐसे यहाँ जाके ठीक कर दिया, ये अब ब्लैक लिया। मैं कलर्स को देखिए स्विच कर रहा हूँ एक्स दबा के, मेरा जो कलर्स है वो सीन के अंदर क्या होता है स्विच हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कंट्रोल जीरो करते हैं, फाइनली हम इसके ऊपर एक इनर शेडो लगा देते हैं कैरेक्टर में, जिससे ये और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, देखने में और अच्छा लगेगा। आप कैरेक्टर वाले लेयर पर डबल क्लिक करोगे, लेयर स्टाइल ओपन होगा, इनर शेडो को सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ से आके इसका जो ओपेसिटी है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हल्का था मैंने ओपेसिटी को एडजस्ट किया, ठीक है गाइस। जब हमारा काम हो जाता है हम सभी लेयर्स को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे शिफ्ट के साथ, कंट्रोल जी करेंगे तो एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब आप मूव टूल लोगे, यहाँ से जाओगे अलाइन टू कैनवास के अंदर, इसको कर दोगे सेंटर अलाइन, मतलब जो भी आपने आर्ट क्रिएट किया है आपने उसको अपने पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सेंटर अलाइन जो है कर दिया है, राइट गाइस। या फिर आप यहाँ से ग्रुप को सेलेक्ट करके इसको हल्का से इसे मैनुअली भी जो है मूव कर सकते हैं, आपने यहाँ पर इसको जो है मूव कर दिया है। तो गाइस ये बन गया आपका डबल एक्सपोजर, पबजी डबल एक्सपोजर इफेक्ट। आई होप गाइस आपने मेरा ये वाला क्लास भी बाकी सभी क्लासेस की तरह एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।